सबको जय यीशु, जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, मैं फिर एक बार आज इस समय आप सबका इस ऑनलाइन प्रार्थना में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, हर दिन हर रोज हम इस समय एक साथ मिलकर एक मन एक हृदय होकर प्रभु के पास आकर उनकी दुहाई देते हुए उनकी आराधना हम करते हैं, उनके नाम को हम लेते हैं, उन्हें हम पुकारते हैं और वो प्रभु हमारी पुकार को सुनते हैं। वो प्रभु हम पर अनुग्रह और दया करते हैं और हमें आशीषों से भर देते हैं। प्रिय भाई बहनों, इस समय हम अपने हृदय को खोलें, अपने मनों को खोलें और अपने आप को प्रभु के हाथों में दें। हमारा मन हृदय हमारे सोच हमारे विचार, ये समय ये उपयुक्त समय है, ये समय आपका है, ये समय प्रभु ने आपको दिया है। बहुत सारे लोग इस समय को नहीं देख पाए, लेकिन आपने ये समय को देखा है और आपको प्रभु ने ये समय दिया है। वचन बताता है, मृतकों में कौन तेरा स्तुति गान करेगा। मेरे भाई मेरी बहन, हम जीवित रहते हुए प्रभु ने हमें ये समय दिया है कि हम जिंदा रहते हुए इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु की आराधना करें। मरने के बाद कौन प्रभु की आराधना करेगा, नहीं पता। ये सौभाग्य प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद दें और उनकी तारीफ करें। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबके लिए आपके भेजे हुए निवेदन और प्रार्थनाओं के लिए मैं प्रार्थना करूँगा कि प्रभु आपकी हर एक मनोकामना और ज़रूरत को पूरा करें। उस परम पावन पवित्र ईश्वर की हम आराधना करेंगे जिसने हमारी सृष्टि की, जिसने हमें बनाया। उसके बनाने का एकमात्र कारण यही है हमारा कि हम उसकी आराधना करें। प्रभु ने हमारी रचना इसीलिए ही की कि हम उसकी आराधना करें। और प्रभु का वचन हमें कहता है कि प्रभु की आराधना करने वालों को प्रभु पसंद करता है। तो प्रभु हमें पसंद करे, हमारी आराधना प्रभु को पसंद आए, हमारा गीत गाना हमारा स्तुति करना प्रार्थना करना प्रभु को पसंद आए। तो आइए हम हृदय को खोलें, मनों को खोलें, अपनी आवाज़ को खोलें और इस समय का उचित लाभ उठाएं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और स्तुति करें। गीत को गाएंगे तालियों को बजाते हुए और प्रार्थना करेंगे, प्रभु का वचन हम सुनेंगे। आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा
तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति मिलकर गाएं आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति मिलकर प्रभु की आराधना करें एक बार फिरते होकर प्रभु तेरी विश्वास के साथ स्तुति कहें आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति देने वाले प्रभु आराधना मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना शक्ति देने वाले प्रभु प्रभु आराधना मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना शक्ति देने वाले प्रभु आराधना मुक्ति देने वाले प्रभु प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति
चंगा करने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, क्षमा करने वाले प्रभु, क्षमा करने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना। प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, ताली बजाते हुए आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना। सभी लोग प्रभु की आराधना करें और प्रभु की स्तुति करें और प्रभु की महिमा करें। प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, एक साथ कहेंगे आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति।
देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु, देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना। प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, मिलकर गाए आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, एक साथ कहें आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, जोर जोर से गाए आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना स्तुति, सभी लोग आराधना महिमा स्तुति, यीशु तेरी आराधना महिमा, यीशु की आराधना, आराधना महिमा स्तुति, यीशु तेरी आराधना महिमा स्तुति, एक साथ रहे आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, आत्मा तेरी आराधना महिमा स्तुति, आत्मा की आराधना महिमा स्तुति, आत्मा तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, आत्मा तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, प्रभु की आराधना, आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति जो तालियों से आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति पूरा ध्यान प्रभु में लगाते हैं प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति बड़े विश्वास के साथ हालेलुया 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 भक्ति के साथ हालेलुया 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 मिलकर प्रभु की आराधना करें हालेलुया 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 अपनी प्रार्थना बनाते हुए हालेलुया 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 आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति प्रभु की आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति प्रभु की आशीष आपको पर रही है समय स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आपकी बीमारी यीशु दूर कर रहे हैं स्तुति यीशु तेरी आराधना महिमा स्तुति प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं स्तुति यीशु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति आपका सर का दर्द पैरों का दर्द शरीर का दर्द यीशु अपने ऊपर ले रहे हैं स्तुति यीशु तेरी आराधना महिमा स्तुति लगातार आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आपके अंदर का दर्द इस समय दूर हो रहा है तेरी आराधना महिमा स्तुति जो आप गंदे सपने डरावने सपने देखते हैं आज से यीशु डरावने गंदे सपने दूर कर रहे हैं आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति हालेलुया 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 आपका मन साधना में नहीं लगता प्रभु प्रार्थना करने की आशीष आपको दे रहे हैं Hallelujah.
हालेलुया 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 प्रभु का प्रेम आपको छुए, प्रभु का प्रेम आप में उतर जाए, प्रभु के प्रेम को ग्रहण करें, स्वीकार करें, प्रभु का प्यार मांगे, प्रभु के आत्मा के आनंद से भर जाए, भर जाए, प्रभु से कहें प्रभु तेरा आनंद मुझे दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। रोग बीमारी पीड़ाएं दूर हो इसी समय यीशु प्रभु के नाम पर आजादी मिले, छुटकारा मिले, बंधनों से, गरीबी से, संकटों से, दुख से, डर से, भय से, चिंता से छुटकारा मिले, बेरोजगारी से छुटकारा मिले। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु। आइए पवित्र आत्मा, यीशु के आत्मा, पिता के आत्मा उतर आइए, फैल जाइए, कब्जा कीजिए, नियंत्रण लीजिए, अधिकार 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 अधिकार। हालेलुया 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 Hallelujah 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 प्रभु में ध्यान लगाएं। वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर की आराधना हमने की है। मेरे भाई मेरी बहन आराधना करते जाएं प्रभु की, प्रभु को प्यार करें, शांति देने वाले प्रभु की, प्रेम करने वाले प्रभु की, दया करने वाले प्रभु की, आनंद देने वाले प्रभु की, बंधनों को तोड़ने वाले प्रभु की, हमें स्वतंत्र और आजाद करने वाले प्रभु की, जिसने हमें बनाया उस प्रभु की, जिसने हमारी सृष्टि की, जिसने हमें तरक्की और उन्नति दी, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, जिसने क्रूस की मृत्यु के द्वारा शैतान को हराया, हमारे लिए अपनी लहू की एक एक बूंद को उसने बहाया, उस प्रभु की आराधना करें। वो आराधना और महिमा के योग्य है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु हमसे प्यार करते हैं। धन्यवाद दे प्रभु को। दिल की गहराई से उन्हें प्यार करते जाएं, उन्हें महसूस करें, अपने दिल में, अपने घर में, अपने परिवार में उन्हें जगा दें। उनका निवास स्थान कहीं और नहीं है, मेरा और आपका हृदय, मेरा और आपका दिल उनका हृदय है, मंदिर है, निवास स्थान है। यदि आपने मेरे भाई मेरी बहन इस हृदय को, इस मन को अभी तक यीशु के लिए तैयार नहीं किया है, आत्मा के लिए तैयार नहीं किया है, ताकि उसका आत्मा आकर हम में निवास करे, तो उसे तैयार करें। यदि आपने किसी न किसी तरह से उसे मटमैला किया है, अपवित्र बनाया है, प्रभु से दया मांगते हुए पवित्रता के लिए प्रार्थना करें। प्रभु मेरे हृदय को पवित्र बना, इस दिल में, इस घर में तू रह जा प्रभु, इस दिल को, इस मन को, इस मंदिर को, इस शरीर को तेरी जरूरत है, क्योंकि मैं तेरे बिना अधूरा हूँ, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। और वचन भी स्वयं हमसे कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसके अंदर ईश्वर का आत्मा निवास करता है। आइए हमारे दिल में, हमारे हृदय में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें, उस प्रभु को अपने दिल में बुलाएं।
उस प्रभु से कहें, अब्बा पिता मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, मेरा जीवन मेरा सर्वस्व जीवन तू ले, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। एक साथ ऊंची आवाज में हम कहेंगे, पिता परमेश्वर मैं करता हूं, मैं करता हूं तेरी आराधना, तेरी स्तुति पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर प्रार्थना करें। इस समय अपना सब कुछ प्रभु को दे, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी सो, और कहें तू मेरा जीवन, मेरा जीवन सर्वस्व भी तेरी आराधना तेरी स्तुति, पावन आत्मा पावन पवित्र आत्मा की आराधना करें। मैं करता हूं आंसू बहाते हुए बड़ी भक्ति के साथ तेरी आराधना, वो हमारे बीच में आ रहे हैं तेरी स्तुति, वो हमारे बीच में मौजूद हैं
उठाते हुए अपना सर्वस्व, अपना सर्वस्व परिवार, अपने बच्चे, अपनी सारी जोखिम चिंताएं यीशु को दे दे, समर्पित करें इस समय। मैं करता हूं, कुछ भी अपने पास ना रखें। वो दोनों बाहें फैलाते हुए कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटियां, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो प्रभु दोनों बाहें फैलाते हुए अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार हैं। हमारा बोझ लेने के लिए दोनों बाहें फैलाए हुए हैं। हमारी चिंताओं को, हमारे दुख को, हमारी बीमारी को, हमारी हर एक चीज को जो हमारी नहीं है, जो यीशु के द्वारा नहीं दी गई, वो प्रभु अपने ऊपर लेना चाहता है। दे दे, कुछ भी अपने पास ना रखें। वो आपको आजाद और स्वतंत्र करेगा। एक साथ कहेंगे हालेलुया, हालेलुया।
स्वागत करें, उसका अधिकार अपने ऊपर होने दें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। प्रभु मेरे इन भाई और बहनों के जीवन में आप आइए, प्रभु इन पर अपना कब्जा कीजिए, इन पर नियंत्रण लीजिए, प्रभु इन पर अधिकार कीजिए। प्रभु जी तेरी करुणा तेरी दया प्रभु इन पर बरसाइए। प्रेमी स्वर्गीय पिता हम सब ने मिलकर तेरी आराधना की है, हमारी आराधना तुझे पसंद आए। हमारा प्रभु जीवन हम सर्वस्व तुझे देते हैं। प्रभु मैं एक एक भाई एक एक बहन को तुझे इस समय समर्पित करता हूँ जो हमारे साथ इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में जुड़े हैं, और प्रभु तू जानता है इनकी हर एक बात को, क्योंकि तूने इनकी सृष्टि की है, तूने इन्हें बनाया है। प्रभु सबसे बेहतर तू ही इनको जानता है। स्वर्गीय पिता इन्हें किसी भी बात की कमी घटी ना होने देना प्रभु, क्योंकि तूने कहा है मेरे भक्तों का घर भरा पूरा रहता है, मेरे भक्तों को किसी भी बात की कमी घटी नहीं होगी। प्रभु तेरे इन बच्चों को कभी भी किसी बात की कमी घटी ना हो प्रभु, इन्हें कभी भी निराश ना होना पड़े, इन्हें कभी इधर उधर ना ताकना पड़े। ओ प्रभु इनकी मुश्किल घड़ियों में तो इनके साथ रहना, जब प्रभु इन्हें कुछ समझ में ना आए तू इन्हें समझाना, क्योंकि तूने कहा है मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन प्राप्त होगा, वो आत्मा तुम्हारे साथ निवास करेगा और वो तुम्हें सिखलाएगा तुम्हें क्या करना है, वो तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किस मार्ग से जाना है वो तुम्हें सिखलाएगा। प्रभु आत्मा से इनको भर दे ताकि पवित्र आत्मा इनका मार्गदर्शन करे, आत्मा से इन्हें भर दे ताकि ये आत्मा में प्रार्थना करने वाले बने। प्रभु इनकी प्रार्थना आत्मा में गहरी प्रार्थना हो, ऐसी प्रार्थना ये करें जो तुझे पसंद हो। प्रभु ये अपने मन की प्रार्थना नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से भर करके ये प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारे लिए पिता से आहें भर भर करके हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे पिता पवित्र आत्मा से इन्हें भर दे ताकि इनकी दुर्बलताओं में इनकी कमजोरियों में तेरा आत्मा इनके अंदर होकर के प्रार्थना करे। प्रभु तू इनकी दुर्बलताओं में इन्हें सामर्थ्य प्रदान कर, क्योंकि तूने कहा है मेरी दुर्बलताओं में तुम मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से कार्य करता है। प्रभु इनकी दुर्बलताओं में पूर्ण रूप से तेरा सामर्थ्य कार्य करे। थैंक यू जीसस। प्रभु इस समय जो मेरा भाई मेरी बहन कोई बीमार है जो प्रार्थना कर रहा है उसे प्रभु चंगा करना, उन्हें छूना, इनमें से एक को भी प्रभु निराश और खाली हाथ मत भेजना। प्रभु इनमें से कोई यदि कोई मन्नत मांग रहा है प्रार्थना मांग रहा है प्रभु उसको पूरा कर देना, तू प्रार्थना को सुनने वाला है। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के बीते हुए दिन के लिए, सुबह से अब तक आपने हमें संभाला, हमारे कार्यों में हमें आशीष दी, जो हमने मांगा आपने हमें दिया, आपने हमें भोजन दिया, रहने की जगह दी प्रभु, हमें संतान दी, हमें पारिवारिक जीवन सुख और शांति का दिया, तुझे धन्यवाद यीशु। हो प्रभु हमारी हर एक जरूरत को तू समय पर पूरा करता है, तुझे धन्यवाद। प्रभु परीक्षा से हमें बचाने के लिए धन्यवाद, कठिन संकटों से हमें बाहर निकालने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मुझे छूने के लिए धन्यवाद प्रभु, मुझे तेरा एहसास दिलाने के लिए धन्यवाद कि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ खड़ा है, यह एहसास मुझे दिलाने के लिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद दे प्रभु को, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेमेश्वर के पिता
हम सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम पर हम मांगते हैं। बोले आमीन 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 आमीन। प्रिय भाई और बहन, हम सब ने प्रभु की आराधना की है और मैंने आपके लिए प्रार्थना की है। विश्वास कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने हम सब की प्रार्थना को सुना और अपनी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में प्रभु ने दी, हमें छुआ और यह एहसास दिलाया कि वो आपके और मेरे साथ हैं। प्रभु को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, आज की आराधना के लिए, आज की प्रार्थना के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु। प्रिय भाई मेरी बहन, आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ प्रार्थना में जुड़ने के लिए और इस प्रार्थना को और अधिक आपके पहचान के लोगों को तक पहुँचाने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए और आपका प्यार हमें देने के लिए आप सबको धन्यवाद। प्रिय भाइयों बहनों, ये प्रार्थना प्रतिदिन 8:30 बजे हमारे YouTube चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में ये प्रार्थना आती है। हमारे चैनल का नाम नीचे जो लाइन बन के आ रही है, चल रही है, आपके सामने वहाँ दिया गया है, आप सर्च करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि आपको हर रोज़ की प्रार्थना का नोटिफिकेशन मिले। और नीचे डिस्क्रिप्शन में और जो लाइन चल रही है वहाँ आपको मिल दिख रहा होगा, हमारा फ़ोन नंबर दिया है। आप में से जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं या आप अपना प्रार्थना निवेदन हमें देना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें या इस प्रार्थना को देखने के द्वारा आपको जो आशीष मिली है या आपने फ़ोन में हमसे प्रार्थना कराई और प्रभु का कार्य जो आपके जीवन में हुआ, आशीष मिली, उसका साक्ष्य आप बन सकते हैं दूसरों का विश्वास बढ़ाने के लिए। और आप अपनी गवाही हमें भेज सकते हैं, प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एक ही नंबर है, नंबर है 8279997397। और ये प्रार्थना रात 8:30 बजे आती है, आप जुड़ जाएं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु में बने रहें। प्रिय भाई और बहनों, सारी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु की महिमा करें। प्रिय भाई बहन, प्रभु आप सबको, आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।